सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। असल में माँ कौशल्या बिल्कुल बालक रूप समझ ली थी ना, तो एक दिन भगवान ने माँ कौशल्या के सामने थोड़ी लीला की। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पल ना पहुड़ाए, करी सिंगार पल ना पहुड़ाए, करी सिंगार पल ना पहुड़ाए, करी सिंगार पल ना बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, 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 अति आनंद दासन कहूँ दीना, आनंद दास कहूँ दीना, अति आनंद दासन कहूँ दीना, अति आनंद दास कहूँ दीना। एक दिन सुबह सुबह माँ कौशल्या ने स्नान किया, राघव को स्नान कराया और पालने में लिटा दिया। फिर भगवान के मंदिर में जब पूजन करने गई ना, और वहाँ पूजन करके जब भगवान को भोग लगाया और फिर जल पिलाने के लिए जब अंदर गई जल दिखाने के लिए, तो माँ कौशल्या की नज़र पड़ी कि जिस लाला को पालने में सुलाई थी ना, वही यहाँ बैठा हुआ लड्डू खा रहा है। तो माँ कौशल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ कौशल्या ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। फिर दौड़कर पालने के पास गई, लेकिन वहाँ देखा तो भगवान सो रहे थे। फिर दौड़ करके पालने से मंदिर आई, तो यहाँ देखा भगवान लड्डू खा रहे हैं। मैया को ऐसा लगा कि मुझे भ्रम हो गया या ये दो है। तब भगवान एक और बड़ी लीला कर देते हैं। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, देख रावा माँ तही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागी कोटि कोटि ब्रह्मांड। देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। भगवान ने इतना विराट रूप मैया को दिखा दिया, जो रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था वही यहां माँ कौशल्या को दिखाया। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, अद्भुत रूप मैया को दिखाया भगवान ने। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में दिखाई दे रहे हैं। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, हजारों देवता, हजारों चंद्र, हजारों सूर्य। और माँ ने इतना विराट रूप देखा तो माँ तो बहुत घबरा गई, और घबरा कर माँ ने नजरें बंद कर ली और बैठ गई। फिर भगवान को थोड़ा डर लगा। भगवान ने सोचा कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, अब माँ कहीं मुझे ईश्वर ही न मान ले, और ईश्वर मान लिया तो फिर जो मुझे पालने में लिटाती है मैया, गोद में बिठाती है, स्नान कराती है, दुग्धपान कराती है, वो सारे सुखों से मैं वंचित रह जाऊँगा। इसलिए भगवान फिर से बालक बने, और बालक बन करके भगवान रोने लग गए। माँ ने कहा कि बस हो गया आपका, आपकी लीला महाराज, मैं आपको पहचान चुकी हूँ, आप साक्षात ईश्वर हैं, और मैं जाकर अब सबको कहने वाली हूँ कि नहीं, मेरा पुत्र नहीं, जगत पिता मेरे घर आया। भगवान फिर से मैया को निवेदन करने लगे कि नहीं नहीं मैया,
मैं तेरे सामने वचनबद्ध होता हूं, आज के बाद ऐसी लीला नहीं करूंगा, लेकिन किसी को कहना मत मां, वरना जिस गुप्त रूप से मैं अवतरित हुआ हूं वो सबको प्रचार हो जाएगा और मेरी लीला विक्षेप हो जाएगी मेरी लीला में। तो भगवान ने वचन दिया मैया को और फिर माँ के भीतर से वो जो देखा था मैया ने वो सब वैष्णवी माया का प्रयोग करके भगवान ने वो सब हटा दिया। और अब और आगे की लीला बाबा तुलसी वर्णन करते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, 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 बाल चरित अति सरल सुहाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय शारद शेष शंभु श्रुति गाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए। बाल चरित्र शुरू किया भगवान ने और फिर धीरे धीरे बाल लीला में भगवान और आगे की लीला करते हैं। एक दिन सुबह सुबह कागभुसुंडी जी के साथ भगवान ने एक लीला की। अन्य अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है कि भगवान थोड़े घुटनों के बगल जब चलने लग गए तो एक दिन आंगन में कागभुसुंडी जी पधारते हैं और भगवान कुछ खा रहे थे हाथ में लेकर, और भगवान के हाथ से छुड़ा कर कागभुसुंडी जी लेकर के भागे तो भगवान उनके पीछे पीछे घुटनों के बगल दौड़ने लगे, रोने लगे, और कागभुसुंडी जी को बहुत आनंद आ रहा था। माँ कौशल्या दौड़ कर आई तो माँ कौशल्या ने चुप कराने की कोशिश की, शांत कराने की कोशिश की, तो भगवान को ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैं तो वही रोटी खाऊंगा, वही चीज़ खाऊंगा जो कौवा लेकर भागा। यहाँ पर कागभुसुंडी जी को जरा मोह भी हो गया कि ये कैसा भगवान जो मेरा जूठा खाने को तैयार। तो भगवान बड़ी विलक्षण लीला करते हैं, भक्तों को कई बार बड़ा भ्रम हो जाता है कि ये कैसी लीला ठाकुर की, लेकिन भगवान वह लीला भी करके आनंद देते हैं। फिर धीरे 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 समय बीता, भगवान अब थोड़े थोड़े खड़े होना भी चाहते हैं और पूरे आंगन में भगवान छम 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 करते हुए घूमते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।